सपा को भी लगता है कि मुस्लिम परंपरागत तौर पर समाजवादी पार्टी के साथ रहे हैं, उनसे कभी गुरेज नहीं रहा सपा से मुस्लिमों को, और उनको ये लगता है कि किसानों और जाटों की नाराजगी का फायदा अगर मिल जाए इन 136 सीटों का जो अंक गणित है उसको बदल सकते हैं। 19 तारीख का जो कार्यक्रम छपरौली में होना है उसके लिए आरएलडी पूरे जोर शोर से लगी है, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसके लिए लामबंदी करने में जुटी है। चुनाव से पहले भीड़ जुटाकर अपनी ताकत दिखाना एक बड़ा परंपरागत तरीका रहा है और मजबूत तरीका भी रहा है, तो आरएलडी इस पर अब जोर लगा रही है। नमस्कार, मैं रोहित सावल। आज मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जुड़ी एक घटना पर आपसे बात करने के लिए आया हूं, जो भी होने वाली है, या उस घटना कहें या कार्यक्रम कहें। दरअसल देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो 26 जिले हैं और उन 26 जिलों में 136 विधानसभा की जो सीटें हैं, इन 136 विधानसभा की सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए हर सियासी पार्टी की तरफ से पेशबंदी शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर पिछले दो लोकसभा चुनाव की बात करें, जो जाट वोटर एकमुश्त भारतीय जनता पार्टी को पड़ा की तरफ आया, वो जाट वोटर किसान आंदोलन की वजह से ये कयास लग रहे हैं कि वो कहीं बीजेपी से इतर ना चले जाए, भारतीय जनता पार्टी को ये चिंता है। वहीं दूसरी तरफ चौधरी अजीत सिंह के देहांत के बाद उनके बेटे जयंत चौधरी के सामने उस सियासी विरासत को संभालना एक बड़ी चुनौती है जो चौधरी चरण सिंह के जमाने से चली आ रही है। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के साथ मिलकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना सियासी भविष्य संवारने की कोशिश कर रही है। देखिए, सपा को भी लगता है कि मुस्लिम परंपरागत तौर पर समाजवादी पार्टी के साथ रहे हैं, उनसे कभी गुरेज नहीं रहा सपा से मुस्लिमों को, और उनको ये लगता है कि किसानों और जाटों की नाराजगी का फायदा अगर मिल जाए और जयंत चौधरी के पास की तरफ ये वोट बैंक अगर आता है तो दोनों मिलकर इन 136 सीटों का जो अंक गणित है उसको बदल सकते हैं। बीजेपी की ने इसके लिए क्या कुछ बीजेपी कर रही है, चाहे अलीगढ़ में पीएम का दौरा या तमाम और बातें, सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन देखिए हकीकत यह है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो जातिगत ताना बाना है, जो सामाजिक ताना बाना है, और किसान आंदोलन के बाद उस ताने बाने पर कुछ हद तक असर तो पड़ा है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। अब पॉइंट यह है कि राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी किस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन को दोबारा हासिल करने की कोशिश में जुटी है। मैं आपको बता दूं कि 19 सितंबर को छपरौली में, बागपत के छपरौली में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, और जिसे चौधरी अजीत सिंह की श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जा रही है। आरएलडी इसको आयोजित कर रही है, पहले 12 तारीख की नियत थी लेकिन फिर उसके बाद इसमें कुछ तब्दीली हुई और अब ये 19 तारीख को हो रही है। तो ये, लेकिन आप इसको समझिए, कोई आम श्रद्धांजलि सभा नहीं है। चौधरी अजीत सिंह का देहांत हुआ कोरोना की वजह से, कोरोना काल उस वक्त चल रहा था, तो उसके बाद कोई बड़ी श्रद्धांजलि सभा नहीं हुई। तो ऐसे में छपरौली में 19 तारीख को एक रस्म पगड़ी हो रही है, लेकिन ये अलग तरह की रस्म पगड़ी है। यानी इस कार्यक्रम में, छपरौली के इस कार्यक्रम में जयंत चौधरी को कई खापों के प्रतिनिधि और कई सर्व समाज के लोग मिलकर पगड़ी पहनाएंगे, यानी औपचारिक तौर पर उनको उत्तराधिकार दिया जाएगा, चौधरी की उपाधि औपचारिक तौर पर दी जाएगी। तो 19 तारीख का जो कार्यक्रम छपरौली में होना है उसके लिए आरएलडी पूरे जोर शोर से लगी है, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसके लिए लामबंदी करने में जुटी है, लोगों को जुटाने में जुटी है, और एक तरह से आरएलडी का शक्ति प्रदर्शन होगा, और इसी कार्यक्रम के जरिए आरएलडी अपनी ताकत दिखाएगा, क्योंकि आगे समाजवादी पार्टी से सीटों को लेकर भी अभी बातचीत होनी है। तो और खासतौर पर चुनाव से पहले भीड़ जुटाकर अपनी ताकत दिखाना ये एक बड़ा परंपरागत तरीका रहा है और मजबूत तरीका भी रहा है, तो आरएलडी इस पर अब जोर लगा रही है। तो कुल मिलाकर 19 तारीख और छपरौली, देखिए छपरौली को आरएलडी ने इसलिए भी चुना क्योंकि चौधरी चरण सिंह की अगर हम बात करें तो पहली बार वो छपरौली से ही विधायक बने, तो लगातार कई बार छपरौली से जीते। इसके बाद अजीत सिंह की बात करें या इस पूरे कुनबे की बात करें तो छपरौली वो सीट रही है जो हमेशा से, पिछले चुनाव में भी छपरौली पर राष्ट्रीय लोकदल के विधायक जीता था, हालांकि बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गए, ये बात अलग है,
और छपरौली को लेकर कई तरह के किस्से कहानियां पूरे जाटलैंड में चर्चित हैं। आपने सुना होगा कि कभी अजीत सिंह को कहा, चौधरी चरण सिंह ने कहा कि अगर तुम दिल्ली से बागपत की तरफ जाओ तो सबको नमस्ते करते हुए जाना, दुआ सलाम करते हुए जाना, लेकिन अगर छपरौली में तुम गाड़ी में बैठ कर अगर वहां पर लोगों को गाली भी निकाल दो तब भी लोग तुम्हारे साथ रहेंगे। तो ये है छपरौली और अजीत सिंह, या आप यूं कहें कि जयंत चौधरी के परिवार का रिश्ता। इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए, और अब चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में एक बड़ी ताकत दिखाने की कोशिश हो रही है। हालांकि अभी तक कोई बहुत ज्यादा सुर्खियां इस कार्यक्रम में नहीं बटोरी हैं, लेकिन मैं इतना बता दूं कि उत्तर प्रदेश और खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत पर जिस तरह से हम नजर रख रहे हैं, जो स्थितियां परिस्थितियां वहां देख रहे हैं, ये एक बड़ा घटनाक्रम होगा, या यूं भी कहें कि राष्ट्रीय लोकदल की सियासत के लिए यू टर्न का दिन भी हो सकता है, क्योंकि आरएलडी को दोबारा से अपनी ताकत दिखानी। और पॉइंट ये है कि इस बार का चुनाव जयंत चौधरी के लिए बड़ा मायने रखता है, बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनको अपनी ताकत दिखानी है, अपनी परिवार की सियासी विरासत को भी बचाना है, और वो सामाजिक ताना बाना जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का मुस्लिम जिस तरह से आरएलडी के साथ चट्टान के साथ खड़ा रहा, बागपत एक तरह का 2014 से पहले की अगर बात करें अभेद्य किला था राष्ट्रीय लोकदल के लिए, और अजीत सिंह इसी ताने बाने की वजह से जीतते थे। जाट और मुस्लिम का जो गठजोड़ था वो गठजोड़ था, लेकिन 2013 के बाद उसमें जिस तरह का बिखराव नजर आया उसका नुकसान उनको उठाना पड़ा। लेकिन पॉइंट ये है कि अब जो 19 सितंबर को जो कार्यक्रम होने वाला है, जो एक रस्म पगड़ी या यूं कहें श्रद्धांजलि सभा वहां पर होने वाली है, उस श्रद्धांजलि सभा में क्या कुछ होता है, कितनी भीड़ उमड़ती है, किस तरह से जो आरएलडी के मंच पर पुरानी स्थिति दिखती थी, मैं बात करूं 2013 से पहले वाली, पॉइंट ये है कि अगर वैसी स्थिति दिखती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनके नेताओं के माथे पर बल पड़ना तय है। ऐसे में अब इंतजार 19 तारीख का है कि 19 तारीख को पश्चिम की सियासी जमीन पर क्या कुछ देखने को मिलेगा। तो 19 तारीख का इंतजार करते हैं, और 19 तारीख को जब वहां पर कार्यक्रम होगा उसके बाद की जो स्थितियां, जो सियासी स्थितियां बनेंगी उस पर भी आपसे बात करूंगा। तो फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।